नसीराबाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है। आपको बता दें कि एक महिला सहित दो युवक यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले। उपखंड अधिकारी खुद पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरे चप्पे चप्पे पर यहां पर तैनात कर दिया गया है। नसीराबाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद में यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के जवान तैनात। साहब द्वारा ये जानकारी मुझे दी गई है कि नसीराबाद क्षेत्र के अंदर तीन लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक का नाम है विशाल सनोफ राजकुमार, ये दूधिया मोहल्ले का रहने वाला है। दूसरा सायरा लड़की है, डॉटर ऑफ सब्बीर, ये बड़ी मंडी की रहने वाली है। और तीसरा हुसैन सनोफ मोइनुद्दीन, ये भी बड़ी मंडी के रहने वाला है। ये तीनों के कोविड पॉजिटिव आए हैं और संक्रमण को रोकने के लिए, और क्योंकि नसीराबाद एक छोटा और काफ़ी घना बसा हुआ इलाका है, इसलिए इसमें संक्रमण को रोका जाना तत्काल आवश्यक है। इसके लिए पूरे नसीराबाद शहरी क्षेत्र को कर्फ्यूग्रस्त घोषित किया गया है। नसीराबाद के निकट ग्राम जाटिया के अंदर आज एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से बहुत दहशत का माहौल है और यहाँ पर नसीराबाद प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे चिकित्सा प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार वगैरह सब लोग यहाँ पर मुस्तैदी से अपने अपने कार्यों में जुट गए हैं। इसी के चलते नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय की जो टीम है यहाँ जाटिया गाँव में पहुँची है। हमारे साथ में आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि कोरोना योद्धाओं को एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं और जो यहाँ पर पूरी टीम मुस्तैदी से जुड़ी है। हमारे साथ में डॉक्टर मुखर्जी मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि उन्होंने किस किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई है। आपका स्वागत है एवन टीवी न्यूज़। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब का, आप लोगों ने जो मौका दिया हम लोगों को कहने का। हम लोग यही है कि जैसे हमको खबर लगी आज प्रशासन की तरफ से कि गाँव के अंदर ऐसे कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो सर्वप्रथम हमारा यही ध्यान था कि उनके घर वालों को सबको क्वारंटाइन करके अलग करके सबसे पहले उनको उनकी जांच जरूरी थी। उसी हिसाब से मैंने देखा, हम लोग हमारी टीम तो पहुंची, मैंने साथ में देखा कि पूरे अजमेर प्रशासन की और भी सारी टीमें पहुंच गई थी। एसडीएम साहब भी पहुंच गए थे, तहसीलदार साहब भी थे और दूसरी टीमें भी आ गई थी। फिर सबसे पहले जैसे जो है उनके लिए फिर उनकी जाँचें की गई, वहीं पर घर पर ही जाँचें की गई जो उसके परिवार के सदस्य थे। उसके बाद हमने अलग अलग टीमें बना के पूरे एरिए को हर घर घर में जाके जितना हमसे संभव हो सका हमने उनके नाम पते, जितने भी 60 साल से ऊपर वाले हैं या 10 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, उन सब के हमने जाके देखा कि किसी को कोई बुखार है या नहीं है। और साथ में हमने गांव में ये संदेश देने की भी कोशिश करी कि किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ होती है, चिकित्सालय पास में भी है, हमारे नंबर भी, फ़ोन नंबर भी हैं, उनके नंबर भी हमने ले लिए हैं, और कभी भी वो हमसे संपर्क करके ताकि इस बीमारी को अपन और ज़्यादा फैलने ना दे। डॉक्टर साहब, जैसे बताया जा रहा है कि जो मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला उसका जो मकान है वो एक जंगल के अंदर है, उसके आसपास कोई रहवाइश नहीं है, ये इससे क्या और लोगों के संक्रमित होने या नहीं होने की संभावना है? हाँ, वैसे क्या है कि जैसे किसी घर से कोई संक्रमित निकलता है, जैसे परसों हमने नसीराबाद में जो निकला था उसके पूरे 15 के 15 के घर वालों को वैन में डाल के अजमेर शिफ्ट करवा दिया। लेकिन चूंकि ये वाला मकान एक मैदान के अंदर है, आसपास कोई मकान नहीं है, मकान अपने आप में ये क्वारंटाइन टाइप का ही है, तो वहीं पे फिर गाड़ी मंगवाई गई, वहाँ पर जांच की गई और उनको कहा, अभी वहीं पर उनको अंदर ही रखा गया है, बाहर सुरक्षा में जवान भी खड़े हो रहे हैं। अब उनकी जांच की रिपोर्ट शाम तक या कल तक आ जाएगी, जिससे पता पड़ जाएगा घर में और किसी को भी ये बीमारी है या नहीं है। और अगर कोई बीमार निकलता है तो उसको तुरंत ही वापस अजमेर भेज दिया जाएगा। जिनको बीमारी नहीं है उनको लगातार 14 दिन तक हम लोग देखते रहेंगे कि कोई अगर 7 दिन बाद भी पॉजिटिव निकलता है तो उसको भी फिर अजमेर भेज देंगे, नहीं निकलता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसको घर के अंदर ही रख रहे हैं और घर के अंदर ही वो सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। इससे गांव वाले भी खुश हैं कि भाई हर किसी को जबरदस्ती नहीं उठा के ले जा रहे हैं। अगर मकान खुला एकदम खुले एरिया में है, ज़्यादा घनी आबादी के बीच में नहीं है। चलिए, ये बेहद खुशी की बात है कि नसीरा जो गांव जाटिया के अंदर जो क्वारंटाइन जो पॉजिटिव निकला है वो पॉजिटिव एक जंगल के अंदर उसका मकान है जहां पर आसपास के लोग संक्रमित नहीं होने की संभावना है। कैमरा पर्सन जितेंद्र बालूत के साथ जावेद खान, एवन टीवी, अजमेर, नसीराबाद।